चैनपुर थाना क्षेत्र के डोंगरगांव निवासी लिबिन कुजूर ने पत्नी व नाबालिग बेटी को अगवा कर लेने की शिकायत चैनपुर थाना में दर्ज कराई है। पीड़ित लिबिन कुजूर ने बताया कि मेरी पत्नी फिरसीता कुजूर व नाबालिग बेटी अंजनी कुजूर को सोमवार की रात चैनपुर थाना क्षेत्र के लोरम्बा गाँव निवासी साधन साय पिता स्वर्गीय दिनेश्वर साय के द्वारा मुझे धमकाते हुए हथियार के बल पर अगवा कर लिया। इस दौरान उसने कहा कि अगर इस बात की जानकारी किसी को दी तो तुमको भी जान से मार दूंगा। हथियार दिखाते हुए उसने मुझे काफी धमकाया। इस घटना के बाद मैं काफी डर गया था, इसलिए घटना की जानकारी किसी को नहीं दे पाया। बाद में मैं काफी हिम्मत जुटाकर चैनपुर थाना आकर लिखित रूप से जानकारी देते हुए मेरी पत्नी हो नाबालिग बच्ची को वापस लाने की गुहार लगाई है। क्या मामला है? मेरी पत्नी और नाबालिग बच्ची को साधन सहाय द्वारा अगवा कर लिया गया है। अच्छा, कब की घटना है? सोमवार रात की है, 8 बजे करीब। और उसने मुझे धमकाते हुए हथियार के साथ धमकी दी और उसने कहा कि किसी को बताने से जान से मार देने की उसने धमकी दी। तो आप आज क्या कहाँ आए हुए हैं? आज डर के भय के भयवश मैं कुछ कर नहीं पाया, उसके बाद में हिम्मत जुटाकर मैं थाना आया हूँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है लिबिन कुजूर। कौन सा? देवगढ़ गाँव। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।